दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डिटेल गाइड करूंगा अगर आप एक कॉफी शॉप खोलना चाहते हो तो, और अगर आप अपनी शॉप के अंदर में एक कॉफी मशीन रखना चाहते हो तो कौन सी कॉफी मेकर मशीन आपको रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल टेक यूट्यूब। दोस्तों, जानकारी वही है जो सही है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप डिटेल में समझ पाओगे कि कौन सी कॉफी मेकर मशीन आपके लिए सुटेबल है अगर आप अपनी शॉप में रखना चाहते हो या फिर एक डेडिकेटेड कॉफी शॉप खोलना चाहते हो। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। बाकी आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछना। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं कि हम अपनी शॉप के अंदर में एक कॉफी मेकर मशीन रखना चाहते हैं तो कौन सी कॉफी मेकर मशीन खरीदे, या हम अपनी एक शॉप ओपन करना चाहते हैं, हमारा बजट 20 से 30,000 के बीच में है तो हम एक कॉफी मशीन खरीदना चाहते हैं तो प्लीज हमको सजेस्ट कीजिए कि कौन सी कॉफी मशीन खरीदे। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो कॉफी मशीन है वो कई तरीके की, और मैंने जितनी कॉफी मशीन की वीडियो बनाई है वो सारी मशीन जो है होम पर्पस यूज के लिए है। आप उन मशीनों का कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, तो कमर्शियली यूज करने के लिए आपको दूसरी मशीन की तरफ में जाना चाहिए जो कि कमर्शियल पर्पस से आती है। अब दोस्तों, कॉफी शॉप कई तरीके की हो सकती है। एक, या तो आपकी कोई शॉप है, जैसे मान लो जनरल स्टोर है या ग्रोसरी वगैरह की है, या फिर आपका कोई स्टेशनरी वगैरह की दुकान है तो वहां पर आप एक वेंडिंग कॉफी मशीन को लगा सकते हैं, जो कि ये सो फॉर सो गुड है, इसमें आपको किसी तरह का झंझट देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली है, प्री मिक्स पाउडर आता है रेडी टू ईट वाला, सिर्फ पानी की जरूरत होती है जो कि आप इस वेंडिंग मशीन के थ्रू यूज कर सकते हो। और आई थिंक मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट कॉफी मशीन है। अब तो बहुत सारे ब्रांड भी आ गए, पहले तो सिर्फ एक आध ब्रांड था, नेस्कैफे की ज्यादा आती थी, अब तो बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं। आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर और चाहे गूगल पर सर्च करके देख लेना। वैसे कुछ चुनिंदा कॉफी मेकर मशीन की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, चाहो तो चेकआउट कर लेना। अब दोस्तों, वेंडिंग कॉफी मशीन ये मल्टीपर्पज है, और आपकी अगर शॉप है तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप वेंडिंग मशीन ही लगाओ, इसमें आपको किसी तरह का झंझट देखने को नहीं मिलेगा। प्लस पॉइंट ये है कि आपको अलग से कॉफी पाउडर नहीं डालना है, दूध नहीं डालना है, सिर्फ आपको पानी और प्री मिक्स पाउडर आता है। अब तो बहुत सारे पाउडर के ब्रांड आ गए हैं, आपको लिंक उनका भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों, वेंडिंग मशीन में आप कॉफी के साथ साथ चाय भी बना सकते हो और लेमन टी भी बना सकते हो। प्री मिक्स पाउडर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना अपने एरिया में। वैसे अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से भी। और दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें एक बेनिफिट ये है कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, और प्री सेट कप होते हैं, आप उनके हिसाब से मेजर कर सकते हो पहले से, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर से पानी डालना है। प्री मिक्स का पाउडर है, किसी किसी में तीन या चार, जैसे कॉफी टी लेमन टी सूप, सारे पाउडर प्री मिक्स का आपको मिल जाएंगे बाजार में। तो ये बेनिफिट आपको है कि सिर्फ ऊपर पानी डाल देना है। आप चाहो तो 20 लीटर का कैन भी रख सकते हो और 2 लीटर की बोतल भी रख सकते हो। तो पाउडर को आपको कंटेनर के अंदर में डाल देना है, 1.2 केजी के कंटेनर की कैपेसिटी होती है इनकी, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो कॉफी के लिए अलग से बटन है, चाय के लिए अलग से, और लेमन टी के लिए अलग से, और सूप के लिए अलग से। तो प्रीमिक्स पाउडर को डालने के बाद बटन को प्रेस करोगे, लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं, किसी किसी में 8 मिनट भी लग जाता है रेडी होने में। तो ये आप चेक कर लेना, आपको यूट्यूब पर इसकी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। मैं तो ये रेकमेंड करूंगा अगर आपकी ऑलरेडी कोई शॉप है और आप अपनी शॉप के अंदर में कोई कॉफी मेकर मशीन रखना चाहते हो तो इसको जरूर कंसीडर करना। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे टाइप की मशीनों की, अगर आप कॉफी शॉप खोलना चाहते हो। वैसे तो देखा होगा आपने विदेशों में जो कॉफी शॉप होती है वो जो प्रोफेशनली तरीके से, वो तो बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, वो लाखों रुपए की मशीनें आती हैं। मशीनें तो खैर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, बट सर्विस इशू को देखने में आ रहा है कि
कि बहुत सारे मशीनें हैं जिनकी सर्विसिंग वगैरह अभी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, बट धीरे धीरे अब होने लगी हैं, बिकॉज इंडिया में भी कॉफी का जो चलन है धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। वैसे तो यूजली चारा जब आता है तब हम कॉफी ज्यादा यूज करते हैं। वैसे आप कमेंट करके बताना कि आप कॉफी रेगुलर पीते हो या जब ठंड बढ़ती है तब अच्छा लगता है पीने में। और दोस्तों ये मशीनें थोड़ी महंगी है, लगभग 20 से 30 हज़ार में। दो तीन ब्रांड की जो मशीनें हैं जो अभी सक्सेस भी हैं, उनमें से एक है बुडाम की। अब तो इसमें क्या है कि आपको दो टाइप की मशीनें मिल जाएंगी। एक मिलेगी सिंगल जो कि सिर्फ कॉफी बनाएगी, एस्प्रेसो वगैरह जो भी लेटे आप बनाना चाहो इससे बना सकते हो। और दूसरी मशीन जो है उसके अंदर में क्या है कि आपको कॉफी ग्राइंडर मिल जाएगा, तो आप बीन्स वगैरह परचेस करके अपनी खुद की प्रोडक्शन करके कॉफी को ग्रेन करके अपने हिसाब से आप कॉफी बना सकते हो। थोड़ी सी मशीन कॉस्टली है, अराउंड 40-50 थाउजेंड के करीब आती है। दो तीन ब्रांड है, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट करना। और दोस्तों इसके लिए आपको प्रॉपर थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वैसे अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। और दोस्तों जैसे फिल्टर कॉफी मशीन है तो आपको इस चीज का ध्यान देना होगा, जो एक कॉफी दो टाइप की होती है, एक तो जो इजीली डिजॉल्व हो जाती है और दूसरी जो होती है वो फिल्टर कॉफी, वो एज अ चाय पत्ती जैसी होती है, तो उसमें से जो कॉफी एक्सट्रैक्ट हो जाती है बाकी बच जाता है चिकोरी। आप सर्च कर लेना यूट्यूब पर, चिकोरी कोई पेड़ का रूट होता है, उसकी जड़ होती है, बारीक पिसा होता है। तो इसमें भी कॉफी कई तरीके का आती है, लगभग 150 रुपए से लेके 1000 रुपए किलो तक की आती है। वैसे मैं टाटा ग्रैंड की फिल्टर कॉफी यूज करता हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों जो मैंने जितनी कॉफी मेकर मशीन की वीडियो बनाई है वो सारे कॉफी मेकर मशीन होम पर्पज यूज के लिए है, उसका आप कमर्शियली यूज नहीं कर पाओगे। करने को तो कर सकते हो बट नहीं करना चाहिए। और दोस्तों वैसे भी वो ज्यादा कॉफी बनाने के लिए नहीं है, 8-10 कॉफी आप उसमें इजीली बड़े आराम से बना सकते हो, इसलिए वो होम पर्पज यूज है। कमर्शियली यूज मतलब कि आप कभी आपको 10-20 कॉफी बेचनी हो या 50-100 काफी ज्यादा बनानी हो तो इसलिए आपको कमर्शियली मशीन की तरफ जाना चाहिए। वैसे अगर आप चाहो तो रख सकते हो। और दोस्तों एक मशीन आपने देखा होगा अक्सर शादी ब्याह में देखा होगा कि जग में कॉफी डालकर और एक डंडी सी पाइप होती है उसमें लगा के मिल्क फ्रॉथ करते हैं, तो वो मशीन कमर्शियली आप उसका यूज कर सकते हो और उसको आप अपनी शॉप पर यूज कर सकते हो। और उसको आप अगर एक डेडिकेटेड कॉफी शॉप खोलना चाहते हो तो उसमें आप उसका यूज कर सकते हो। वैसे अगर आप एक डेडिकेटेड कॉफी शॉप खोलना चाहते हो तो वहां पर वो उतनी अच्छी तो नहीं लगेगी, बट वो सबसे कम प्राइस में आपको मतलब कि अच्छी खासी क्वांटिटी में कॉफी आप उससे बना सकते हो, उसका आप एक तरह से कहा जाए तो प्रॉपर कमर्शियल यूज कर सकते हो। लार्ज अगर आपको कॉफी ढेर सारी बनानी हो तो उसमें आप उसका यूज कर सकते हो, तो आप उसको भी चेकआउट करना अगर आप चाहो तो। अराउंड 10,000 के अंदर में वो मिल जाती है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाती है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि आपको किस टाइप की कॉफी मेकर मशीन परचेस करनी चाहिए। अगर आप एक प्रॉपर कॉफी शॉप खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ेगी, तो आप यूट्यूब पर भी चेक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। आई होप कि अब आपको इस वीडियो से बेहतर आइडिया मिल गया होगा कि कौन सी कॉफी मेकर मशीन आपके शॉप के लिए या फिर डेडिकेटेड शॉप के लिए सही होगी। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।